अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बंटी के बारे में, आज हम बंटी के बारे में बातें करेंगे। बंटी की एज क्या है, बंटी क्या क्या खाता है और क्या क्या कारनामे करता है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ट्विंकल बड़ी हो चुकी है और बंटी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर वह दाना खाती है तो ये भी दाना खाना शुरू कर देता है, और जब वो ज़्यादा मेरे क्लोज रहती है तो फिर ये उसके साथ लड़ाई भी करता है। और अभी बंटी ट्विंकल से मार खाने वाला है, ट्विंकल इस पर गुस्सा कर रही है। अचानक से इनके मूड चेंज हो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता, तो इसलिए अब मैंने इनको सेपरेट रखना शुरू कर दिया। ट्विंकल को नीचे शिफ्ट कर दिया है बर्ड्स के साथ, और कभी कभी इसको ऊपर लेकर आती हूँ। बंटी तो मेरे पास ही रहता है हमेशा, और ये दोनों में मीठी मीठी लड़ाई हो रही है, प्यार मोहब्बत की लड़ाई है, ज़्यादा गुस्से वाली नहीं है। ट्विंकल ज़रा ज़्यादा ही गुस्सा कर रही है बंटी पर, बंटी ज़रा फिर भी लिहाज कर रहा है उसका। ये बंटी का टॉय है और बंटी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खेलता है। इसके अंदर जो रिंग बने हुए थे ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड वुड के बने हुए थे, लेकिन इसने उन सबको ख़राब कर दिया। मज़ीद हर छोटी चीज़ जो बंटी उठा सकता है और उसकी चोंच में आ जाती है, उस चीज़ की खैर नहीं होती। उसके अलावा भी काफ़ी कारनामे करता है। यहाँ पे जो वुड के लगे हुए थे छोटे छोटे इस तरह के, वो सब इसने गायब कर दिए हैं, उनका नामो निशान भी नहीं है। और ये दरवाज़ा है, ये भी महफूज नहीं है बंटी से। बंटी ने इसके साथ भी काफ़ी कोशिश की है, इस पर नक्शो निगारी की है। और उसके अलावा अगर साबुन ये भी बंटी के हाथ चढ़ जाए तो उसकी भी खैर नहीं है। लीड्स का तो पूछे ही मत, कि हर दूसरे दिन नई लीड आने आती है। ये बंटी की छोटी सी गोद थी, उसको उसने खा खा के उसकी टांगे गायब कर दी हैं। और सीलिंग पेन का भी ये हशर है कि ऊपर से उसकी वायर्स बाहर आ रही हैं। और मेरे जिनसे शूज़ हैं उनकी तो खैर नहीं होती, बंटी उनके साथ ऐसा करता है और मेरे हर चप्पल ऐसा ही दिखता है। और बंटी ने अब हल्का हल्का बोलना स्टार्ट कर दिया, ये टॉकिंग मोड में आ गया है। इसकी एज अबाउट 7 to 8 मंथ हो गई है और ये हल्की फुल्की बातें करने लग गया है। इसका DNA तो नहीं करवाया, लेकिन मुझे कंफर्म है कि ये मेल ही है। और ये बातें भी बड़े स्टाइल में करता है, गर्दन घुमा के, पर खोल के, इसका अलग ही स्टाइल होता है बातें करने का। इसकी आवाज़ काफ़ी लाउड होती है, इसके अलावा इसने मिठी कहना सीख ली है, और भी कुछ बातें करता है जो कि मुझे समझ नहीं आती थी क्या करते हैं। बंटी को आवाज़ की बहुत पहचान है। अगर आपके पास कोई चॉकलेट रैपर है या टॉफ़ी का रैपर है तो उसकी आवाज़ सुन के ही फ़ौरन आ जाएगा। क्या चाहिए आप? उसको ढूंढेगा कि यहीं पर है। और चॉकलेट्स क्योंकि बर्ड्स के लिए सही नहीं होती, पॉइजनस होती हैं, और बर्ड्स को बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं देनी चाहिए, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं देती। लेकिन इसकी पूरी कोशिश होती है कि ये फौरन आता है। बंदी वैसे तो इसका अपना टेस्ट है, ये जब भी आएगा ना कुछ भी नहीं है मेरे पास, देखेगा तो आएगा के मांगेगा, थोड़ी सी टेस्ट करेगा, अगर उसको अच्छी लगेगी तो दोबारा आएगा, अगर अच्छी नहीं लगेगी तो फिर दोबारा नहीं आएगा। इसको ज़्यादातर कुछ भी पसंद नहीं आता, ये बिस्किट खाता है, उसमें सिर्फ सुपर बिस्किट खाता है, और हलवा खाता है शौक़ से, सनफ्लावर सीड और कनेरी सीड, उसके अलावा ये कॉर्न, एप्पल और ग्रीन चिल्ली, इस तरह की सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं। नहीं है मेरे हैंड में, नहीं है।
हम इसकी पूरी कोशिश है कि चॉकलेट तुमने छुपाई हुई है और मुझे दे दो। क्या ढूंढ रहे हो? जीजी थी मेरे पास, जीजी थी। बहुत चलाक के ज़रा सी आवाज़ सुनेगा तो फिर दोबारा आ जाएगा और आके फुल ट्राई करेगा कि मैं उसको ले लूँ। उसको पता है कि यहाँ पर है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाथ के नीचे से निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी नहीं है। और उसको रैपर का भी बहुत पता चलता है कि रैपर खाली है। उसको सारी साइड से चेक कर लेगा कि खाली है तो फिर उसके बाद उसे फेंक देगा, और अगर उसके अंदर चीज़ होगी तो फिर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा जब तक उसे खाली ना कर दे। है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। घर में हर चीज़ छुपा छुपा के रखनी पड़ती है क्योंकि बंटी हर चीज़ उठा के ख़राब कर देता फौरन। बच्चों से भी ज़्यादा तेज़ है कि अगर आप रख के भूल गए हैं तो ये नहीं भूलता उसको ख़राब करना। इसने हर चीज़ ख़राब करनी होती है, कोई ज्वेलरी हो, कोई ड्रेस हो या आपके शूज़ हो, कोई भी चीज़ हो, इवन छोटी मोटी यूज़ की चीज़ें जैसे ब्रश हो गया, सोप हो गया, ये चीज़ें भी छुपा कर रखनी पड़ती है क्योंकि बंटी इनको भी नहीं छोड़ता। आप अपनी अच्छे से अच्छी महंगी से महंगी चीज़ रख कर भूल गए हैं तो बंटी ने 2 मिनट में उसको ख़राब कर देना है। तो इस तरह बर्ड को रखने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपने इतना सब्र और बर्दाश्त है तब इसको अपने साथ रख सकते हैं, तो वरना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और साथ में बंदे को हर टाइम अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ता है कि कोई चीज़ आपने गलती से भी बाहर नहीं छोड़नी। अगर आपने छोड़ दी है तो फिर उसकी खैर नहीं है। यहाँ तक इसके अपने टॉयज़ हैं तो उनके साथ भी खेलता है, लेकिन जब इसको कोई न्यू चीज़ मिलती है तो फिर ज़्यादा इसको इंटरेस्ट होता है उसे ख़राब करने में। जो पुरानी चीज़ होती है फिर उसको ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। एक दफ़ा शूज़ ख़राब कर देगा ना तो वो पुराना हो गया, फिर इसको रोज़ नहीं ख़राब करना, एक दफ़ा ख़राब करके बस। फिर उसके बाद अगर आपने नया शूज़ निकाल लिया ना तो फिर उसकी खैर नहीं है, फिर इसने उसके पीछे पड़ जाना है। और अगर आपने उसको रख दिया है और आप भूल के लेट गए हैं तो बस उठने पर आपको शूज़ सही सलामत नहीं मिलेगा। और बंटी बच्चों की तरह करता है बिल्कुल, पूरा दिन जब मैं बाहर जाऊँगी तो मेरे साथ बाहर आएगा, अंदर आऊँगी तो रूम में आ जाएगा, मतलब पूरा दिन मुझे फेस करता है ये। और मैं जो भी काम कर लूँगी इसमें मेरे साथ हर काम करवाना होता है, लेकिन इसमें काफ़ी सेंस है, इसको पता है कि मैंने मेरे साथ ही रहना है और ये कहीं भी एस्केप होने की कोशिश नहीं करता कि अगर कहीं से कोई गैप है या विंडो ओपन है तो ये वहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये अंदर ही रहेगा। और अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो फिर ये उनके साथ भी बिल्कुल फ्रेंक नहीं होता, उनसे एक डिस्टेंस बना के रखेगा, उनसे दूर ही रहेगा, किसी के पास नहीं जाता। सिर्फ ये मेरे पास आता है और मुझसे चीज़ मांगता है या वैसे ही आके बातें करता है, प्यार करता है। बहुत लविंग बर्ड है और मुझे अच्छा लगता है कि ये सबके साथ फ्रेंक नहीं होता, बाकी बर्ड्स का नहीं होता, वो सबके साथ फ्रेंक हो जाते हैं लेकिन ये सबके साथ नहीं होता। फिर चाहे इसे कोई चीज़ दे या जो भी हो, इसने किसी से नहीं लेनी, सिर्फ मुझसे ही आके लेता है। फाइनली चॉकलेट का रैपर बंटी को मिल गया है, अब उसकी चेकिंग हो रही है कि इसमें कुछ है या नहीं है। अब ये रैपर खाली है इसलिए बंटी इसको अच्छे तरीके से चेक कर रहा है हर तरफ से। और उसने अब फेंक दिया। यहाँ बड़े मज़े से फ़ौरन से माचिस लेके उड़ गया है और उसके बाद उसकी सारी तिल्लियाँ नीचे गिरा देता है और ऊपर जाके बैठ जाता है कि इसको पता होता है कि इसने मुझे डांटना है या मना करना है, इसलिए फ़ौरन मेरी पहुँच से दूर भाग जाएगा कि मैं इसके हाथ ना आऊँ। और ऐसे गायब होगा ना कि आराम से बैठ के सारा काम ख़राब करके उसके बाद आ जाएगा। उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय की होगी और आपको बहुत सारी बातें पता चली होंगी बंटी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।